वेलकम बैक इज ऑन माय चैनल ऑन यूट्यूब। और उम्मीद करता हूँ कि आप होंगे सब सुरक्षित अपने अपने घर पे। अगर थंबनेल देख के आप ये वीडियो देखने आए हैं और आपके भी मन में क्यूरियोसिटी है कि वॉलर की आग कैसे फूटी, तो मुबारक हो, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आज मिल जाएगा। तो देखिए मेरा पूरा वीडियो, वॉलर की आग कैसे फूटी, इस क्वेश्चन को करूँगा मैं व्यू ऑन माई चैनल ऑन स्क्रीन व्यू। अगर आपने डार्क वेब सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट कर ली हो तो चांसेस है कि आपको 90% आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पर वॉलर की आग क्यों फूटी, इसका जवाब हमें अब तक नहीं मिल पाया है क्योंकि मेकर्स ने हमें बताया नहीं है। जब इस क्वेश्चन के बारे में इस सीरीज के डायरेक्टर साहब को पूछा गया तो डायरेक्टर साहब ने बड़ी ही चालाकी से जवाब दिया कि हमें नहीं पता। तो मतलब यही है कि इस सीरीज के मेकर हमें बताना ही नहीं चाहते थे कि वॉलर की आग क्यों फूटी। सीरीज के मेकर्स आपको अंधेरे में रख सकते हैं पर मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकता हूँ। तो आपके भाई ने इस टॉपिक पर, इस क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी रिसर्च की और रिसर्च करके मेरे सामने दो थ्योरीज आई है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहली थ्योरी ये है कि बॉलर है रेजिना का भाई। क्या, कब, कैसे? आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे होंगे कि बॉलर रेजिना का भाई कैसे है। तो इसके चार पॉइंट्स हैं मैं जो आपके सामने रखने जाना हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि फूटी आँख। डार्क ऐसी वेब सीरीज है कि जिसमें अंदर बिना वजह कोई भी चीज़ नहीं दिखाई गई है, चाहे वो एक चॉकलेट का रैपर क्यों ना हो, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है वो दिखाने का। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये देखें कि वॉलर की आँख फूटी क्यों दिखाई, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए और वो रीज़न है हेटरोक्रोमिया। अब ये हेटरोक्रोमिया क्या है, तो आपने देखा होगा जो क्लोडिया है उसको हेटरोक्रोमिया रहता है, मतलब एक आँख का कलर अलग और दूसरी आँख का कलर। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वॉलर को भी हेटरोक्रोमिया होगा। पर ये हेटरोक्रोमिया वाली बात छुपी रहे या इससे सस्पेंस बना रहे, इसीलिए उसको दिखाया होगा कि उसकी आँख फूटी दिखाई गई हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हैना अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल करते हैं, तब अलेक्जेंडर ट्राइडमन फोन करता है वॉलर को। अब वॉलर है ना अलेक्जेंडर ट्राइडमन की मदद कर रहा है। वॉलर वैसे तो पुलिस ऑफिसर है पर वो अलेक्जेंडर ट्राइडमन की मदद क्यों कर रहा है, वो भी इल्लीगल कामों में। तो हो सकता है कि वॉलर को पता हो कि अलेक्जेंडर उसका जीजा हो और जीजा की जॉब और बहना का घर बचाने के लिए वॉलर उसकी मदद कर रहा हो। तीसरा पॉइंट ये है कि वॉलर के हमें माँ बाप नहीं दिखाए गए ये कौन है, क्योंकि वो सेकेंडरी कैरेक्टर है। पर उसी तरह से रेजिना के भी पिताजी हमें नहीं दिखाए गए है। क्लोडिया की शादी भी नहीं होती फिर भी रेजिना हो जाती है, तो एक इंटरलिंक हो सकती है। और एक चौथा पॉइंट जो कि सबसे मेन पॉइंट है, इस सीरीज के लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में हमें जब दिखाया जाता है कि एक टेबल पर कैथरीना, पीटर, वॉलर, हैना और रेजिना और उसके साथ वो ट्रांसजेंडर बैठे हुए रहते हैं, बेसिकली ये वो वर्ल्ड है जिससे ओरिजिन शुरू हुआ था, मतलब एकदम ओरिजिनल वर्ल्ड है और यहाँ यही लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनका जन्म नेचुरली हुआ है। जो लोग टाइम ट्रैवल से पैदा हुए हैं वो लोग इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। और इसी घर के अंदर एक वॉल रहती है, उस पर एक पेंटिंग रहते हैं जिसमें रेजिना, क्लोडिया और उसके पिताजी का फोटो रहता है, मतलब रेजिना के पिताजी का फोटो रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि क्लोडिया या तो मर चुके हैं या तो बूढ़ी हो चुकी है। पर रेजिना और वॉलर दोनों ही यंग वर्जन में दिखाए गए हैं और इनका जन्म नेचुरली हुआ है, इससे यही पता चलता है कि वो दोनों भाई बहन हैं। और आपको एक हिंट और दे दूं, जब इन्वेस्टिगेटर क्लॉसन उस गाड़ी में वॉलर को क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे आग के साथ क्या हुआ, तभी जब वॉलर रीजन बताने जा रहा होता है तो सामने से क्लोडिया आ जाती है। तो एक इनडायरेक्टली हिडन मीनिंग हो सकता है कि वॉलर और क्लोडिया का कुछ ना कुछ रिलेशन है, और यानी ये रिलेशन माँ बेटे का है। तो ये थी मेरी थ्योरी इस टॉपिक पे। आपको अगर ये थ्योरी सही नहीं लगी होगी तो एक बार ठंडे दिमाग से इस चारों पांच पॉइंट को आप कनेक्ट करके देखिएगा और इस पर ठंडे दिमाग से विचार करके देखिएगा, चांसेस है कि 95% आपको भी ये थ्योरी सही लगी। अगर आपको पहली थ्योरी सही ना लगी हो तो मेरे पास एक दूसरी थ्योरी भी है जो काफ़ी रियलिस्टिक लगती है मुझे पहले थ्योरी से। तो बात ऐसी है कि जब डार्क वेब सीरीज की कास्टिंग चल रही थी तो वॉलरिस कैरेक्टर के लिए जो स्क्रीन पर नाम दिख रहा है ना, उस एक्टर को फाइनलाइज किया गया था। पर शूटिंग शुरू होने से पहले क्या हुआ कि ये जो एक्टर है, बेसिकली वो वही एक्टर है, उस एक्टर का हो गया एक्सीडेंट और उस वजह से उसकी आँख के सामने आ गई इंजुरी। तो अब अगर किसी रोल के लिए आपको फाइनलाइज किया जाए पर शूटिंग शुरू होने से ही पहले आपके चेहरे पर अगर इंजुरी हो जाए तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको उस वेब सीरीज से निकाल दिया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए। पर वॉलर इस कैरेक्टर के साथ ऐसा नहीं हुआ। डायरेक्टर साहब यानी ब्रैंडबो ऑर्डर को ऐसा लगा कि वॉलर को फूटी आग के साथ
इस सीरीज में रखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट पॉइंट हो सकता है। तो इस वजह से उन्होंने वॉलर को फूटी आग के साथ ही कास्ट किया और शूट भी किया, और ये उनका डिसीजन सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि हमारे बीच अंत तक हाइप बनी रही कि वॉलर की आग क्यों फूटी। तो गाइज ये थी मेरी थेरीज वॉलर की आग कैसे फूटी इस टॉपिक के बारे में। ये दोनों भी थेरीज ऑथेंटिक नहीं है और ऑफिशियल भी नहीं है क्योंकि इसका सोर्स इंटरनेट है। जब इस टॉपिक के बारे में मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की, उसको खंगाला, तब तो मुझे ये दोनों थेरीज पता चली और ये दोनों थेरीज मुझे प्रॉमिसिंग लगी, इसके साथ मैंने आपको शेयर की। और दूसरी थेरी तो काफ़ी रियलिस्टिक भी लगी मुझे। तो अगर आपको ये दोनों थेरीज पसंद आई हो और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपके लिए एक और सवाल, क्या आपने डार्क इस वेब सीरीज में कहीं पर भी टोनी स्टार्क को देखा? मतलब डार्क इस वेब सीरीज में आपने कहीं पर भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को देखा? अगर आपने देखा है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को तो मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ देखा। अगर नहीं देखा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक मैं ज़रूर डालूंगा। और आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो जो सब्सक्राइब बटन है उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।